राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लगातार 60 जगह छापेमारी की है। इस छापेमारी के दौरान उन गैंग्स को रडार पर रखा गया है जो भारत की जेलों या विदेशों में बैठकर लगातार कई राज्यों में टारगेट किलिंग करा रहे हैं, जिनमें से एक एग्जाम्पल है सिद्धू मूसेवाला। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छापेमारी अभियान NIA का अभी भी चल रहा है। नीरज बवाना गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग समेत कई ऐसे बड़े गैंग हैं जिन पर छापेमारी की जा रही है। दिल्ली के ताजपुर में छापेमारी की गई है, बवाना इलाके में छापेमारी की गई है, नजफगढ़ इलाके में छापेमारी की गई है, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी बीच NIA ने जो सबसे बड़ी कार्रवाई की है वो है UAPA लगाना उन सभी गैंगस्टर पर जिन 10 गैंगस्टर्स की लिस्ट बनाई गई है। यहाँ जिस कानून के तहत आतंकवादियों पर कार्रवाई होती है यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उन सभी गैंगस्टर पर लगाया गया है जिन बड़े 10 गैंगस्टर ग्रुप्स की लिस्ट NIA ने हाल ही में बनाई थी और इस बात की जानकारी दी थी कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि कई गैंगस्टर ग्रुप को लेकर हाल ही में एक बड़ा खुलासा हुआ था और ये बात सामने आई थी कि कहीं ना कहीं ये गैंगस्टर ग्रुप्स आतंकी संगठनों के संपर्क में लगातार बने हुए हैं और उनके इशारे पर, उनकी फंडिंग पर दिल्ली में अपना रॉकेट चलाते हैं और इस तरह से दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब के कई इलाकों में लगातार सक्रिय बने हुए हैं। अपनी हालिया रिपोर्ट में NIA ने दावा किया था कि आतंक का चेहरा बन चुके ये गैंगस्टर टारगेट किलिंग की घटनाओं को लगातार अंजाम देते हैं, सोशल मीडिया के सहारे युवकों को बरगलाने का काम करते हैं, ये गैंग ही गैंगवार का दुष्प्रचार करते हैं, पहले ये क्राइम और गैंगवार करवाते हैं, फिर अपनी फोटो सोशल मीडिया पर डालकर गैंग के मुखिया अपने को रॉबिन हुड बताते हुए नजर आते हैं। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड समेत कई गैंगस्टर पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने UAPA के तहत FIR दर्ज कर ली है। मामले में NIA भी अपनी जांच कर रही है। गृह मंत्रालय के आदेश पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान के कई बड़े गैंगस्टर्स के ऊपर UAPA लगाया है और ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है, रेड की जा रही है और हर तरह के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। कहना गलत ना होगा कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद ये देश में किसी भी तरह के गैंगस्टर गैंग पर अपने तरह की ये पहली सबसे बड़ी कार्रवाई देखने के लिए सामने आई है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।